चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आऊँ। कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 13 मई का, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सको। निफ्टी जो क्लोजिंग दी यहाँ पे देख सकते हैं 15,810 पे, यहाँ पे -2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आज अच्छा सा गैप डाउन देखने को, गैप डाउन होने का अच्छा सा यहाँ पे डिमांड। अगर यहाँ पे मैं वन डे का कैंडलस्टिक अगर लगा तो आज की जो ओपनिंग है यहाँ पे जो शो कर रहे 16,034 यार यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोजिंग जो शो कर रही है यहाँ पे 15,737। तो एनएससी के साइड पे यहाँ पे कुछ तो मतलब ग्लीच है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। डिक्लाइंस में 45 देखने को, एडवांस में 5 देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखेंगे, अगला जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का, अगला जो एक्सपायरी है 19 मई का, तो वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ पे कॉल रेट रहा है, पुट रेट सबसे ज़्यादा देखने को। अगर यहाँ पे मार्केट देखो तो यहाँ पे 15,807 के नियर बाय यहाँ पे क्लोजिंग होता है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो 15,800, यहाँ पे 24,000 यहाँ पे कॉल रेट रहा है, यहाँ पे अगर देखें 24,000 यहाँ पे पुट रेट रहा है। तो यहाँ पे 15,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉल राइटर बूट राइटर देखे तो यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट 15,700 का देखने को मिल रहा है, ज़्यादा यहाँ पे 11,000 बूट राइटर है। ऊपर की तरफ अगर 15,900 का एक अच्छा सा रिस्टेंट देखने को मिल रहा है। कल अगर 15,700 को डिफेंड करते तो होल्ड करेगा, अगर इसको ब्रेक करते तो नीचे की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर जाने के लिए 15,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे के लिए जो रिकवरी है जो पॉसिबल हो सकता है। चलिए अभी चार्ट के ऊपर देखते हैं। चार्ट के ऊपर पहले मैं आपको वीकली का चार्ट दिखा दूं। निफ्टी का वीकली का चार्ट अगर देखें तो यहाँ पे एक अगर देखें तो इन्वर्टेड कप पैटर्न हुआ है, यहाँ पे इन्वर्टेड कप पैटर्न हुआ है और 15,650 के नीचे यहाँ पे निकलता है तो एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले दोनों में नीचे की तरफ। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अगर देखें फिलहाल के लिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या देखने को मिल रहा है, ये डायरेक्टली 14,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 14,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर देखें तो आता है तो यहाँ पे 15,000 का एक लेवल देखने को मिल रहा है, 600 पॉइंट नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डेली कैंडलस्टिक में देखें तो डेली कैंडलस्टिक में मैंने बताया कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन आज देखो आज एक शार्प सेलिंग हुआ, लेकिन 15,650 का लेवल इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का, जो कि 2022 में यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड हफ्ते थर्ड मंथ में यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा समय फेब्रुअरी मार्च में जो लोग लगा था उस लोग को अगर ब्रेक करता है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। बैक टू बैक देखें तो मार्केट है भाई नीचे की तरफ आ रहा है। आज सीपीआई का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, अभी मैंने देखा नहीं अभी तक क्या आया, तो वो उसकी वजह से भी अभी कल देखना पड़ेगा मार्केट में किस तरह से मूवमेंट है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर प्राइस एक्शन देखें इंट्राडे के लिए तो कल के लिए क्या लेवल्स वगैरह है, तो यहाँ पे लोअर लो मतलब आज मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद लोअर लो लगने चालू हुए। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हुआ है, इसी चैनल में मार्केट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कल अगर यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आ रहा है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो ये वाला जो लेवल है जो कि 15,900 का, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई हायर हाई पैटर्न बनाया तब एक रिकवरी आ सकती है, तो यहाँ पे जा सकता है 16,000 साइकोलॉजी लेवल, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तब एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आज का लो ब्रेक होता है जो कि ये वाला है 15,730, तो फिर से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस आपको पता है 15,920, इसके ऊपर एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए, अदरवाइज इसी जोन में ट्रेड करता हुआ निफ्टी कल देखने को मिल सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दे नियर बाय 33,532, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी है नियर बाय, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग दी 33,534। चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो अगली एक्सपायरी है 19 मई का एक्सपायरी का डेटा देख लेगा। 33,500 अगर देखें तो ये वाला लेवल है, 33,500 के लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है, 17,000 यहाँ पे कॉल रेटर देखने को मिल रहा है, 12,000 यहाँ पे पुट रेट है, तो यहाँ पे 33,500 रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 9,000 पुट रेट, 33,000 का लेवल एक सपोर्ट के लिए वर्क कर, लेकिन रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग देखें तो 33,700 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, और 33,500 इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। कल यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। चलिए भी चार्ट के ऊपर चलते हैं और बैंक निफ्टी का फिर से मैं एक बार वीकली चार्ट देखा, तो यहाँ पे भी वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, जो कि 33,000 का लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, उसके नीचे आने के सस्टेन करने की कोशिश की। इस कैंडल का लो अगर देखें तो 32,000, जब भी 32,000 ब्रेक होगा 32,246 अगर, तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। डेली कैंडलस्टिक में देखें तो बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, डेली कैंडलस्टिक में एक बड़ा रेड कैंडल हुआ है, तो अभी देखते हैं फिलहाल के लिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे में क्या देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न बन सकते हैं कल के लिए कौन से लेवल। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक पैरेलल चैनल जैसे मैंने निफ्टी में ड्रॉ किया था वैसे बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे
तो इसके लिए रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए जो ऑप्शन चेन के डेटा आपसे हिसाब से देखा तो 33,700, तो मेरे हिसाब से चार्ट के हिसाब से 33,800 रेजिस्टेंस रहेगा। कल ऊपर भी जाता है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते तो ऐसे फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको अगर बुलिश साइड जाना है तो 34,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी बुलिश साइड व्यू मेरा रह सकता है। अगर फिर से अगर आज का लो ब्रेक होता है तो फिर से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर मॉर्निंग में इसी रेंज में ट्रेड करता है तो एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक 33,800 के अबव जाता है यहाँ पे हायर हाई लगाता है 5 मिनट के चार्ट पे तभी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो फिर से यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे जब भी 34,300 का लेवल यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी एक गैप फिल करने के लिए ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कल एक फ्राइडे नवी नया एक्सपायरी है तो यहाँ पे प्रीमियम भी हाई रहेंगे, वोलेटाइली मार्केट भी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, तो भी केयरफुली ट्रेड कीजिए। कम क्वांटिटी से भी केयर कर सकते हैं। आज लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, कुछ लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी होगा, तो उसके हिसाब से आज का जो उनका जो ट्रेडिंग सेशन है, कल का जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, तो एक अच्छा सा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पैनिक सेलिंग आए और जिन लोगों के यहाँ पे पोर्टफोलियो, तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो 10-12-15% यहाँ पे माइनस रहेंगे, तो आप एक ही चीज़ कीजिए कि जब भी इस गिरते हुए मार्केट में आप SIP के थ्रू मार्केट मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप क्या करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है तब लेते हैं और आपका जो एवरेज प्राइस निकलता है वो अच्छा नहीं निकलता, उसकी वजह से ये अच्छा सुनहरा, जैसे आपने कोरोना में देखा तो मार्केट नीचे आया तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय एंड डिप, थोड़ा थोड़ा जो पैसा है अगर 1,00,000 रुपये उसको 10 भाग्स में डिवाइड करते हैं, 10,000 हर डिप में यहाँ पे बाय करते तो आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए मौका है। मार्केट जैसे ही नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके यहाँ पे आप अपने शेयर्स एवरेज कर सकते हैं, नया शेयर्स अच्छा फंडामेंटल शेयर्स यहाँ पे ऐड कर सकते, जो डिविडेंड देने वाले शेयर्स है क्वालिटी कंपनीज वहाँ पे आप ऐड कर सकते। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बताते हैं कल के लिए कौन से ट्रेडिंग लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ।